Oh, that's beautifully struck. Well, there's the leg side. आज पाकिस्तान जीतेगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आज जीतेगी टीम हमारी। पहले तो उम्मीद हमेशा टीम के साथ रहती है, और बाकी जो पिछला मैच आ रहे थे गलतियाँ हैं, गलतियों से सीखते आगे जाके। बाकी बस कोशिश है कि खेल में हार जीत होती रहती है, कोई बात नहीं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नेशनल स्टेडियम के सामने मौजूद हूं, जहां पर आज दूसरे मैच के लिए जो है वो तैयारियां हतमी शक्ल में जो है वो मुकम्मल कर ली गई हैं। मेहमान टीम के साथ जो है वो आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का जो है वो दूसरा मैच जो है वो होने जा रहा है। यहाँ पर कराची के जो शायकीन क्रिकेट हैं वो इंतहाई पुरजोश नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में जो है वो फैमिलीज़ आ रही हैं और अपने जोश व खरोश का जो है वो मुजाहरा कर रही हैं। पाकिस्तान की मेहमान टीम के साथ जो पहला मैच था उसमें पाकिस्तान को जो है वो हार हुई थी, पाकिस्तान वो मैच हार गया था, मगर आज जो शायकीन क्रिकेट हैं वो उनकी ये दुआ है कि आज पाकिस्तान जो है वो कामयाबी से हमकिनार हो, इसके लिए यहाँ पर जो है वो दुआएं भी की जा रही हैं। जबकि बहुत सारे लोग जो है वो मेहमान टीम की कामयाबी के लिए दुआ गोए, हमारे साथ यहाँ पर फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना है। जी बताइएगा, आज आप कितने पुरउम्मीद हैं, किस कौन सी जो है ना आज क्या जोश है? आज पाकिस्तान जीतेगा, हम पाकिस्तान से इंशाल्लाह। उम्मीद तो है अब, लेकिन इनका कुछ पता ही नहीं है, कुछ भी खेलते हैं, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तान आज जरूर जीतेगा। आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह आज हम लोग जीतेंगे, और फुल तैयारी के साथ आए हम आज। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हम जीतेंगे और फुल तैयारी के साथ आएंगे। यहाँ पर और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, शायकीन क्रिकेट जो है वो भरपूर तरीके से अपने जोश और जज्बे का इजहार कर रहे हैं, और जो शायकीन क्रिकेट हैं वो इंतहाई पुरजोश और खुश नज़र आ रहे हैं। और उनका ये कहना था कि पहले मैच में भी पाकिस्तान ने जो है वो बेहतरीन परफॉर्मेंस की, मगर हार जीत जो है वो खेल का हिस्सा होता है, और वो आज भी दुआगो हैं कि आज भी जो है वो पाकिस्तान बेहतर अंदाज में खेलेगा और कामयाबी हासिल करेगा। जबकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इंग्लैंड की जो मेहमान टीम हमारे मुल्क आई हुई है और इस वक्त कराची में जो है वो मैचेस खेले जा रहे हैं, उसके लिए भी जो है वो पुरउम्मीद है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। आज जो बिल्कुल बाबर आजम से पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो उन्होंने एशिया कप का जो भी कैंपेन हुआ था उसमें तो ज़्यादा कुछ वो चले नहीं, और पहले मैच में भी इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने कोई अच्छा स्कोर नहीं किया, लेकिन आज पूरी उम्मीद है कि मोहम्मद रिजवान के साथ एक अच्छा स्टैंड देंगे, एक अच्छी पार्टनरशिप बनाएंगे और एक अच्छा टोटल खड़ा कर देंगे इंग्लैंड टीम के खिलाफ। और जो है बॉलर से भी अच्छी उम्मीद है, नसीम शाह और शाहनवाज दानी जो अपनी ओपनिंग चलाएंगे स्पेल, उसमें जल्द से जल्द ओपनर्स को आउट करें और इंग्लैंड को जो है मुसीबत में रख दें, ताकि हम जल्द से जल्द मैच को अपने नाम रख दें और ये जो 7 मैचों की सीरीज़ है ये भी अपने नाम कर लें। जी मैं आपको बताऊं कि इंग्लैंड की जो मेहमान टीम पाकिस्तान पहुँची है कराची में, जो है इसके साथ जो है वो पाकिस्तानी टीम 4 मैचेस खेलेगी, जबकि 3 मैच जो है वो कजावी स्टेडियम के अंदर जो है वो लाहौर में खेले जाएंगे, जिसके लिए जो है वो तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। यहाँ पर मैंने जिस तरह से आपको बताया कि शायकीन क्रिकेट बड़ी तादाद में आ रहे हैं, ख्वातीन आ रही हैं, ख़ासतौर पर बच्चे जो है वो बड़े पुरजोश नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर जब हमारी शायकीन क्रिकेट से बात हो रही है तो वो बाबर आजम को लेकर जो है वो इंतहाई पुरउम्मीद हैं कि बाबर आजम और रिजवान जो है वो बेहतर परफॉर्म करेंगे और आज जो है वो आज का जो मैच है वो पाकिस्तानी टीम जो है वो अपने नाम करेगी। और मैं एक दफ़ा फिर आपको बताऊँ कि जो पहला मैच था इस T20 सीरीज़ का, जो पहला मैच था वो पाकिस्तान हार गया था और इंग्लैंड की जो मेहमान टीम है उसने ये मैच वो मैच अपने नाम कर लिया था, मगर आज के मैच से और आइंदा के मैच से जो है वो उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो जीतेगी। इसके लिए यहाँ पर जो है वो ख्वातीन काफ़ी जज्बाती हैं और वो दुआएं भी कर रही हैं, जिस तरह से आपने सुना भी था, और वो भरपूर तरीके से जो है वो तैयारी के साथ आएँ और पुरउम्मीद होकर आएँ कि आज पाकिस्तान जो है वो मैच अपने नाम करेगा। इसी के साथ पाकिस्तानी बॉलरों से भी जो है वो खासा पुरउम्मीद नज़र आ रहे हैं कि पाकिस्तान टीम के जो बॉलर्स हैं वो भी बेहतर परफॉर्म करेंगे। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, शायकीन क्रिकेट जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आज का जो मैच है वो ठीक अपने मुकर्रर वक्त पर जो है वो शुरू होगा और उसके बाद जो है ये मैच खेला जाएगा, जो मैच का वक्त है उसके उसी मुताबिक जो है ये मैच खेला जाएगा। यहाँ पर अगर बात की जाए तो इतराफ़ के इलाके जो है वो रोशनियों से इस वक्त ही जो है वो जगमगा रहे हैं, स्टेडियम की लाइटें ऑन कर दी गई हैं, इंतहाई खूबसूरत मनाजिर जो है वो यहाँ पर देखने में आ रहे हैं, और सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम हैं। और इसके साथ ही आपको बताता चलूँ कि आसमान पर जो है वो सिया गहरे बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएँ चल रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो मौसम खुशगवार हो गया, और खूबसूरत मौसम के साथ जो है वो शहरी आज का जो खूबसूरत मैच है वो देख सकेंगे। आज हमारी टीम इंशाल्लाह कमबैक करेगी और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगी। जब भी जो पहला मैच था वो तो यूँ समझ लें कि एक ट्रायल मैच था, मैं ये कहूँगा कि उसमें वार्म अप हुआ हमारे खिलाड़ी, आज इंशाल्लाह बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। मेहमान टीम जो है ना उसकी कारकर्दगी तो हम बहुत यानी कि वो हैं सेटिस्फाइड, क्योंकि वो यहाँ पे पाकिस्तान आया, इससे ज़्यादा जो है ना हमारे लिए खुशी की नहीं कोई और बात नहीं है। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आज जीतेगी टीम हमारी। अभी शाहिन शाह इंजर्ड है इस वजह से हार गए, अभी इंशाल्लाह जीतेगा इस दफ़ा।
जी बिल्कुल, कराची ही नहीं ये मैच देखने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से भी जो है वो बड़ी तादाद में शायकीन क्रिकेट अपनी फैमिलियों के हमरा, दोस्तों के हमरा जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सिंध के मुख्तलिफ शहरों से जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके साथ ही सैलाब मुतासरीन जो है वो जो काफ़ी महीनों से जो है वो परेशानी की हालत में ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो भी जो है वो खुश हो गए हैं इस सीरीज़ की वजह से, इस T20 सीरीज़ की को देखने के लिए जो है वो सैलाब मुतासरीन भी जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, जबकि उनको भी यहाँ पर रिलीफ देने के लिए जो है वो खुसूसी इंतजाम किए गए और उन्हें फ्री में जो है वो यहाँ पर मैच देखने के लिए एंट्री जो है वो फराहम की जा रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो शायकीन क्रिकेट है उनकी आमद का सिलसिला जारी है। अगर आप मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये स्टेडियम के चारों तरफ के रोड आपको मनाजिर दिखाते हैं कि बड़ी तादाद में जो है वो शायकीन क्रिकेट जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये जितने भी लोग आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं, फैमिलीज़ हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, वो सब पाकिस्तानी परचम लिए जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब जो है वो मैच देखने के लिए आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी तादाद जो शहरियों की है वो यहाँ पर स्टेडियम का रुख कर रही है और चारों इतराफ़ जो है वो लोग जो है वो अपनी गाड़ियाँ पार्क करके जो है वो स्टेडियम की जानिब जो है वो पैदल पहुँच रहे हैं, ताकि वक्त से जो है वो स्टेडियम में पहुँच सकें और मुनासिब जगह पर जो है वो अपने भरपूर तरीके से जो है वो मैच को देख सकें। यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो पाकिस्तानी परचमों की भी जो है वो एक मरतबा फिर जो है वो बाहर आ गई है। स्टेडियम के चारों इतराफ़ जो है वो पाकिस्तानी परचम जो है वो लहरा रहे हैं। यहाँ पर जब हमारी यहाँ पर फैमिलीज से बात हुई जो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर आई हैं, तो उनका ये कहना था कि जहाँ पर एक जानिब हमारे लिए खुशी की बात है कि इंग्लैंड की टीम जो है वो इतने अरसे के बाद पाकिस्तान एक मरतबा फिर पहुँची है, वहीं पर पाकिस्तान की कामयाबी के लिए भी दुआगो है और हमारे लिए खुशी का मौका है और इसको भरपूर तरीके से जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। जी बिल्कुल, स्टेडियम के बाहर ये कुछ करेक्टर भी जो है वो हमारे साथ खड़े हुए हैं जो पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। आइए इनसे भी जान लेते हैं कि आज के मैच के हवाले से ये क्या कहते हैं और इनके क्या जज्बात हैं। आज मैच देखने के लिए आया हूं। मेरा नाम है भांजा, क्रिकेट पाकिस्तानी, मैं सिंध कश्मीर से आया हूँ। आज जो इंशाल्लाह मैच जो है पाकिस्तान अगर जीत गई, जीत पाकिस्तान की होगी इंशाल्लाह। बाबर आजम ने आज 50 स्कोर से ऊपर लगाया तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के हाथ में होगा मैच। पाकिस्तान जिंदाबाद। आई क्या कहेंगे जी? इस्लाम को, मेरा नाम अमन क्रिकेट पाकिस्तानी है। सबसे पहले हम इंग्लैंड को वेलकम करते हैं 17 साल के बाद। तो जो परसों जो मैच हुआ था पाकिस्तान वो हार गया है, इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जीतेगा। लेकिन जिस तरह भांजी ने बोला, अगर बाबर आजम अपनी बैटिंग को वापस लेके आना चाहते हैं तो वो कम से कम आज टीम को बचाए, अपने केरल को बचाए। आज बाबर आजम को 50 प्लस होगा तो मैच इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। अगर बाबर आजम हार गया स्कोर नहीं मारा, मामा और भांजा हम बाइकआउट करेंगे और T20 हम नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारा जब दिल टूट जाएगा तो हम मैच देखेंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम से भी मोहब्बत करते हैं, मुल्क से मोहब्बत करते हैं, लेकिन जो हम लोअर इसलिए नहीं जाएंगे, अगर पाकिस्तान से दो मैच निकल गए मामा और भांजा चले जाएंगे अपने घरों, लेकिन इसके लिए हम दुआ कर सकते हैं इंशाल्लाह जीत मेरे पाकिस्तान को की। पाकिस्तान जिंदाबाद, लव यू। सर क्या कहेंगे, अपना नाम बताइएगा और जी मेरा नाम जी मिस्टर पाकिस्तानी, मैं एक इंटरनेशनल फ्लैग होस्ट और चेयर लीडर हूँ। मैं समझता हूँ आपको मुख्तसर ही बात करता हूँ। मैं जिस तरह पाकिस्तान ने गुज़श्ता गेम में इंग्लैंड के खिलाफ नाकस कारकर्दगी दिखाई बैटिंग में, फील्डिंग में और बॉलिंग में, अगर इस तरह का वो हुआ तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि हमें दो खिलाड़ी रिजवान और बाबर की तरफ सारा फोकस नहीं करना चाहिए। जो मिडल ऑर्डर बैट्समैन है, जो मिडल ऑर्डर है हमारा, वो फ्लाप हो जाता है और जो फील्डिंग है वो भी नाकस हो जाती है और जो कैचेस ड्रॉप होते हैं उसकी वजह से मैच जो है ना हार जाते हैं। आज इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान कम बैक करेगा। अगर पाकिस्तान ने उसी तरह कैच ड्रॉप किए तो पाकिस्तान जीत नहीं सकेगा। अगर पाकिस्तान ने फील्डिंग के ऊपर फोकस ना किया तो पाकिस्तान मैच हार जाएगा। अगर पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर ने अगर वो अच्छी कारकर्दगी ना दिखाई तो पाकिस्तान हार जाएगा। बरकर मेरी दुआएँ पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान कम बैक करेगा टुडे। मैच के हवाले से यही कहेंगे कि इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जीतेगा और हम बहुत उम्मीदें लेके आए हैं, हमारे बाकी दोस्त भी अंदर वेट कर रहे हैं, तो लेट्स होप पाकिस्तान विंस। मेहमान टीम जो इंग्लैंड की जो टीम जी जी वो कैसी टीम है, क्या कहते हैं उसके बारे में? बहुत बेहतरीन टीम है, हमने फर्स्ट मैच में देखा था उन्होंने कैसा खेला था और सारे उनके प्लेयर्स कितने अच्छे हैं। लेकिन हमारी टीम भी कम नहीं है, बाबर आजम है, रिजवान है और हमारे बॉलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो लेट्स होप इंशाल्लाह आज अच्छा मैच होगा। पहले तो उम्मीद हमेशा टीम के साथ रहती है और बाकी जो पिछला मैच आ रहे थे गलतियाँ हैं, गलतियों से सीखते हैं आगे जाके, बाकी बस कोशिश है कि मैच जीतेंगे इंशाल्लाह। खेल है, खेल में हार जीत होती रहती है, कोई बात नहीं, पिछला मैच हार गए इंशाल्लाह ये वाला जीत जाएंगे, हमारी दुआएं इनके साथ हैं इंशाल्लाह जीत जाएंगे हम लोग। से बाबर से नसीम शाह से सारे प्लेयर सब से ही उम्मीद है,
सबसे सबसे इंशाल्लाह जो भी खेलेगा अच्छा ही खेलेगा। हाँ जी, और मेहमान टीम भी तो हमारी है, वो हमारे पास इतने सालों के बाद आई है, उसके लिए भी तो कोई जज्बात है। देखेंगे जो जैसा खेलेगा, अब गेम है उसमें हार जीत तो होती रहती है। इंशाल्लाह पाकिस्तान है तो थोड़ा बहुत है कि पाकिस्तान ही जीते ना, बाकी अगर वो भी जीते तो अच्छी बात है, कोई नहीं। जी बिल्कुल, मैच के बाकायदा आगाज़ होने का वक्त जो है वो हो चुका है। दोनों टीमें जो है वो इस वक्त ग्राउंड के अंदर पहुंच चुकी हैं, मेहमान टीम भी और मेज़बान टीम भी इस वक्त जो है वो मैदान में पहुंच चुके हैं, और ये बात भी यकीनी है कि जो अच्छा खेलेगा यकीनन जीत भी उसी की होगी। क्या जोश है, आज पाकिस्तान जीतेगा, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आज जीतेगी टीम हमारी। पहले तो उम्मीद हमेशा टीम के साथ रहती है, और बाकी जो पिछला मैच आ रहे थे गलतियों से सीखते आगे जाके, बाकी बस कोशिश है कि खेल में हार जीत होती रहती है, कोई बात नहीं,